Hi, welcome to my channel. This video is solve carrying question number 2. Construct a quadrilateral ABCD in which BC is equal to 7.5 cm, BC is 7.5 cm, AC is equal to AD is equal to 6 cm, so AD and AC are 6 cm, CD is equal to 5 cm, CD is equal to 5 cm and BD means this diagonal 10 cm. अब यहाँ पर देखिए हमें 5 डायमेंशंस मिल चुके हैं. एक क्वाड्रिलेटरल के 5 पार्ट्स यदि आपको पता है तो आप इसको डेफिनेटली ड्रा कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें 5 पार्ट्स मिल चुके हैं. थ्री साइड्स AD DC एंड CB एंड 2 डायगोनल्स BD एंड AC. तो हम किसी भी साइड से या किसी भी डायगोनल से हम स्टार्ट कर सकते हैं ड्रा करना. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं AC डायगनल को ड्रा करके. ठीक है, तो पहले हम ड्रा करेंगे AC डायगनल, आफ्टर दैट वी विल फाइंड D पॉइंट, आफ्टर दैट वी विल फाइंड B पॉइंट. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम करेंगे AC लेंथ का 6 सेंटीमीटर का हम एक लाइन खींचेंगे. अब क्या करेंगे कि A को सेंटर मान करके और 6 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के एक आर खींचेंगे और दूसरा आर खींचेंगे C को सेंटर मान करके और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के जो कि डी पॉइंट पर कट करेंगे. तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है और ये पॉइंट है आपका डी. अब AD और CD को ज्वाइन कर लेंगे. अब ध्यान दीजिए, यदि हमें बी पॉइंट को फाइंड करना है तो किस पॉइंट से हमें रेडियस, किसका रेडियस लेकर के हमें आर खींचना होगा. देखिए, सी पॉइंट से हमें पता है 7.5 सेंटीमीटर बी तक. ठीक है, इसलिए सी को सेंटर मान करके 7.5 सेंटीमीटर के रेडियस लेकर के हम एक आर खींचेंगे और दूसरा आर खींचेंगे डी को सेंटर मान करके 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे बी पॉइंट पर. तो अब हमें दूसरा पॉइंट मिल चुका है और ये पॉइंट है आपका बी. ज्वाइन कर लेंगे AB एंड CB को. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. यदि आपको अच्छा लगा ये कंस्ट्रक्शन तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको इन नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल सकता है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.